राजस्थान। मैं सुशीला बाटन, लेक्चरर, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है 8 to 7 में प्रोग्रामेबल कीबोर्ड एंड डिस्प्ले कंट्रोलर डिवाइस। प्रोग्रामेबल कीबोर्ड एंड डिस्प्ले इंटरफेसिंग का यूज सीपीयू और कीबोर्ड एंड डिस्प्ले डिवाइसेस के बीच एक इंटरफेस की तरह किया जाता है। यह 64 की कॉन्टैक्ट की मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें 2 स्पेशल कीज और पाई जाती हैं, कंट्रोल और शिफ्ट कीज। इसके अंदर इनबिल्ट डीबाउंस की भी पाई जाती है। इसके अलावा यह 16 बाइट के डिस्प्ले रैम और 16 बाइट डिजिट के इंटरफेसिंग डिजिट्स का डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। 40 पिन का आईसी होता है इसका। एज यू कैन सी, दिस इज द पिन डायग्राम ऑफ 8279 आईसी। इसको हमने इस तरह से भी एक सिंबल के रूप में शो कर सकते हैं। इसको हमने डिवाइड किया है सीपीयू इंटरफेस, की डेटा इंटरफेस, डिस्प्ले डेटा इंटरफेस एंड स्कैन डेटा के रूप में। सीपीयू इंटरफेस के रूप में जब हम बात करते हैं तो इसमें डेटा बस इंक्लूड होती है। इसमें 8 बाइट की बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, DB0 से DB7। इसके अलावा इसके अंदर रीड राइट कंट्रोल लॉजिक वगैरह ये पिंस आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है की डेटा। की डेटा के अंदर रिटर्न लाइन है, शिफ्ट और कंट्रोल 2 स्पेशल कीज हैं। इस तरह से स्कैन जो डेटा है उसके अंदर स्कैन लाइन है, SL0 से SL3 4 स्कैन लाइंस यूज़ की जाती है। नेक्स्ट जो आपका डिस्प्ले डेटा है उसमें जो 8 आउटपुट लाइंस हैं, आउटपुट B0 टू B3 एंड आउटपुट A0 टू A3। ओके, अब जो फर्स्ट आपका है CPU इंटरफेस, उसके अंदर जो जो भी पिन्स आती हैं उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका जो था डेटा बस इंटरफेस, DB0 से DB7, ये 8 बाइट की बाई डायरेक्शनल डेटा बस लाइन्स हैं। इन लाइंस के द्वारा डेटा और कमांड वर्ड्स को सीपीयू से और सीपीयू की ओर ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स है, रीड एंड राइट सिग्नल्स, ये एक्टिव लो सिग्नल्स हैं। और ये इनपुट जो पिंस हैं वो इनेबल करती है द डेटा बफर्स टू रिसीव और सेंड डेटा ओवर द डेटा बस। डेटा बस के थ्रू डेटा को रिसीव और सेंड करने का काम इन पिंस की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका पिन है वो है A0 पिन। ये एक एड्रेस लाइन पिन है। इस पिन के ऊपर अगर हाई होता है, मीन्स अगर ये लॉजिक 1 पे होती है, तो यह इंडिकेट करती है कि इस लाइन के जो 8279 है इंटरफेस वो ट्रांसफ़र करता है कमांड और स्टेटस इंफॉर्मेशन। और जब इस पिन के ऊपर लो होता है, मीन्स 0 होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि 8279 आपका डेटा को ट्रांसफ़र कर रही है। और इसका यूज़ हम 8279 के इंटरनल रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट आपका जो पिन है चिप सेलेक्ट पिन है, एक्टिव लो होता है इसके ऊपर। तो लो ऑन दिस लाइन इनेबल 8279 फॉर नॉर्मल रीड और राइट ऑपरेशन, अदरवाइज दिस पिन शुड बी रिमेन हाई। तो जब भी आपको रीड और राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, चिप सेलेक्ट आपका एक्टिव लो पे रहेगा, मीन्स 0 पे रहेगा, और अदरवाइज ये पिन आपका हाई पे रहेगा। नेक्स्ट पिन आपका था रीसेट पिन। यह पिन का यूज़ करके 8279 आईसी को रीसेट किया जाता है। जब इसके ऊपर हाई होता है तो यह 8279 आईसी को रीसेट कर देता है। जब इसको रीसेट कर दिया जाता है, इट्स इन 16/8-bit डिस्प्ले। तो इसका जो 16/8-bit का डिस्प्ले है, लेफ्ट एंट्री एनकोडेड स्कैन 2 की लॉकआउट मोड। तो यह जो लेफ्ट एंट्री एनकोडेड स्कैन और T2 की लॉकआउट मोड में आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो है वो है क्लॉक पिन है। यह एक इनपुट है जिसका यूज़ करके हम उसको जो पर्टिकुलर आप टाइमिंग जो है जनरेट करते हैं 8279 आईसी के लिए। नेक्स्ट आपकी जो है वो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल IRQ।
जब भी सीपीयू को जब भी किसी भी कीबोर्ड या डिस्प्ले डिवाइस को सीपीयू के साथ इंटरफेस करना होता है तो 8279 आईसी इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन के थ्रू सीपीयू को या माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करती है. सो दिस इंटरप्ट आउटपुट लाइन गोज हाई व्हेन देयर इज ए डेटा इन द फीफो सेंसर रैम. मीन्स जो आपका जो रैम होता है, मेमोरी होता है, उसके फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर सेंसर के अंदर जब भी डेटा होता है तब आपका E279 आईसी आपके सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है. द इंटरप्ट लाइन गोज लो विद ईच फीफो रैम रीड ऑपरेशन बट इन द फीफो रैम फर्दर कंटेन एनी की कोड एंट्री टू बी रीड बाय द सीपीयू. और जब आपका फीफो रैम सेंसर में से सभी डेटा आपका प्रोसेस्ड हो जाता है और वो वेकेंट हो जाता है तब आपका ये पिन लो रहता है. ओके, नेक्स्ट आपका है VSS एंड VCC. एवरी पिन नीड्स द सप्लाई एंड द ग्राउंड. सो VSS इज द सप्लाई पिन फॉर द 8279 आईसी एंड VCC इज द ग्राउंड पिन फॉर द 8279 आईसी. ओके, नेक्स्ट आपका जो सेक्शन था वो स्कैन लाइन का सेक्शन था जिसमें चार स्कैन लाइंस थी SL02 SL03 और इन लाइंस का यूज़ कीबोर्ड मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले डिजिट्स को स्कैन करने के लिए किया जाता है. दीज लाइंस आर यूज्ड टू स्कैन द कीबोर्ड मैट्रिक्स एंड डिस्प्ले डिजिट्स. इसके अलावा दीज लाइंस कैन बी प्रोग्राम्ड एज एनकोडेड और डिकोडेड यूजिंग द मोड कंट्रोल रजिस्टर. मीन्स मोड कंट्रोल रजिस्टर का यूज़ करके हम इन लाइंस की प्रोग्रामिंग करके एज ए एनकोडेड मोड में भी काम ले सकते हैं इनको, एज ए डिकोडेड मोड में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है कीबोर्ड जो सेक्शन था. कीबोर्ड सेक्शन में आती है आपकी रिटर्न लाइंस, शिफ्ट की एंड कंट्रोल की. सो फर्स्ट आपका है रिटर्न लाइन. तो 8 रिटर्न लाइंस हैं इसके अंदर RL0 से RL7 तक. ये इनपुट लाइंस होती हैं जो कि कनेक्टेड रहती है वन टर्मिनल ऑफ कीज़, और जबकि जो इसका दूसरा टर्मिनल होता है कीज़ का वो कनेक्टेड होता है डिकोडेड स्कैन लाइन से. ये नॉर्मली हाई रहती है लेकिन जैसे ही कोई की हमने प्रेस की तब ये लो हो जाती है. नेक्स्ट आपका आता है शिफ्ट की. शिफ्ट की जो है एक स्पेशल की है. द स्टेटस ऑफ द शिफ्ट इनपुट लाइन इज स्टोर्ड अलॉन्ग विद ईच की कोड इन फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर रैम. जब आपका 8279 आईसी स्कैंड कीबोर्ड मोड में काम करता है तब जो भी डेटा होता है वो जिस भी की को प्रेस करते हैं उसका जो डेटा है वो फर्स्ट इन फर्स्ट ऑर्डर रैम या फीफो रैम के अंदर स्टोर हो जाता है. इट इज़ पुल्ड अप इंटरनली टू कीप इट हाई टिल इट इज पुल्ड लो विद की क्लोजर. सो हमें जब भी कोई भी की प्रेस की जाती है तब इसको हाई कर दिया जाता है. नेक्स्ट आपका है कंट्रोल एंड स्टॉप पिन. इन कीबोर्ड मोड दीज लाइंस इज यूज एज ए कंट्रोल इनपुट एंड स्टोर्ड इन फीफो ऑन ए की क्लोजर. जब 8279 आईसी कीबोर्ड मोड में काम करता है तो इस पिन को कंट्रोल इनपुट के रूप में यूज किया जाता है और जो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो फीफो में स्टोर हो जाती है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है जो डिस्प्ले सेक्शन है. वो डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आउटपुट आता है आपका A0 to A3 एंड आउटपुट B0 से B3. इस तरह से ये 8 पिन्स हैं. दीज आर द आउटपुट पोर्ट्स फॉर 2 16x4 और 16x8 इंटरनल डिस्प्ले रिफ्रेश रजिस्टर्स. इन लाइंस के थ्रू जो डेटा है वो सिंक्रोनाइज रहता है स्कैन लाइंस के साथ एंड डिस्प्ले एंड कीबोर्ड को ये उसके साथ ही भी ये सिंक्रोनाइज मोड में रहता है. द 2 4-bit पोर्ट्स में ऑल्सो एज 1 8-bit पोर्ट. नेक्स्ट आपका आता है ब्लैंक डिस्प्ले BT पिन. इस पिन का यूज़ करके जो भी डिस्प्ले है उसको ब्लैंक किया जा सकता है ड्यूरिंग डिजिट स्विचिंग और बाय ब्लैंकिंग क्लोजर. ओके, नाउ कम टू द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8279 आईसी.
सो ब्लॉक डायग्राम के अंदर, जैसा कि हमने इसके सेक्शंस की बात की थी, कि इसके अंदर चार सेक्शंस थे, आपका सीपीयू इंटरफेस, कीबोर्ड डेटा, डिस्प्ले डेटा एंड स्कैन लाइन डेटा। तो इन्हीं को हमने थोड़ा डिटेल में इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। दिस इज़ द कीबोर्ड डिबाउंस एंड कंट्रोल एंड दिस इज़ द फीफो सेंसर रैम। ये है आपका कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स, डेटा बफर्स DB0 से DB7, इनपुट आउटपुट कंट्रोल जिसमें रीड राइट चिप सेलेक्ट एंड A0 पिन आती है। नेक्स्ट आपका है फीफो सेंसर रैम स्टेटस, ये CPU की तरफ जो सिग्नल जाता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट के लिए। इसके अलावा आपका 16x8 का डिस्प्ले रैम अवेलेबल है और डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स हैं, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट एंड स्कैन काउंटर एंड दीज आर फॉर द रिटर्न लाइन्स। सो लेट अस डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8 to 7 9। सो इट कंसिस्ट ऑफ फोर मेन सेक्शन, CPU इंटरफेस एंड कंट्रोल सेक्शन, स्कैन सेक्शन, कीबोर्ड सेक्शन एंड डिस्प्ले सेक्शन। फर्स्ट आपका है CPU इंटरफेस एंड कंट्रोल सेक्शन। फर्दर ही डिवाइड है आपका डेटा बफर्स में, IO कंट्रोल में, कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक्स में। डेटा बफर की हमने पहले डिस्कस किया था, 8-bit का बाई डायरेक्शनल डेटा बफर है जिसका यूज़ करके जो कंट्रोल है एंड डेटा सिग्नल्स को आपका CPU को सेंड किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता था IO कंट्रोल, IO कंट्रोल को भी हमने डिस्कस कर लिया था जिसके अंदर रीड राइट चिप सेलेक्ट एंड A0 पिंस आती थी। ओके, जब A0 पिंस हमने जैसा कि पहले भी बताया था, जब ये लो होती है तो डेटा ट्रांसफ़र होता है और जब ये हाई होती है तो स्टेटस या कमांड वर्ड ट्रांसफ़र होता है, और जब चिप सेलेक्ट पिन 0 होती है तो डेटा फ्लो इनेबल्ड होता है। मीन्स उसी टाइम आपका डेटा फ्लो हो सकता है, आपका CPU जो है रीड एंड राइट कर सकता है। ओके, सो जो ये IO कंट्रोल सिग्नल्स थे वो इस तरह से ऑपरेट होते हैं, जब ये इस कॉम्बिनेशन में होता है तो डेटा आपका CPU से 8 to 7 9 में जाता है, एंड जब 001 के फॉर्म में होते हैं तो डेटा फ्रॉम 8 to 7 9 टू CPU, इसी तरह से 110 में कमांड वर्ड ट्रैवल करता है एंड 101 में स्टेटस वर्ड। नेक्स्ट आपका CPU इंटरफेस का ही नेक्स्ट पार्ट था टाइमिंग एंड कंट्रोल रजिस्टर और टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। सो टाइमिंग एंड कंट्रोल रजिस्टर्स के अंदर है आपका, ये क्या काम करता है, कंट्रोल रजिस्टर स्टोर द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले मोड्स एंड अदर ऑपरेटिंग कंडीशंस प्रोग्राम्ड बाय द CPU। तो आगे जब हम इसमें कीबोर्ड एंड डिस्प्ले मोड्स को डिस्कस करेंगे कि CPU इस 8 to 7 9 IC में इनपुट एंड आउटपुट मोड्स होते हैं, फर्दर कीबोर्ड एंड डिस्प्ले मोड्स होते हैं, तो ये जब जो भी मोड हैं वो इन टाइमिंग एंड कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग आपकी CPU के द्वारा की जाती है। द मोड्स आर प्रोग्राम्ड बाय सेंडिंग प्रॉपर कमांड A0 इज इक्वल्स टू 1, और इसको जब भी कमांड को सेंड करने के लिए हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि जो A0 पिन है उसे हाई रखा जाता है। नेक्स्ट आपका जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट है उसके अंदर टाइमिंग काउंटर चेन पाई जाती है। इसके अलावा फर्स्ट काउंटर जो है वो डिवाइडेड होता है n प्री स्केलर से, और इसके बाद में प्रोग्राम टू गिवन इंटरनल फ्रिक्वेंसी ऑफ 100 kHz। फिर स्कैन सेक्शन आता है इसका। स्कैन सेक्शन के अंदर इसके दो मोड होते हैं, एनकोडेड मोड और डिकोडेड मोड। स्कैन सेक्शन की जो पिंस थी वो SL0 to SL3 4 स्कैन लाइंस थी। सो इन एनकोडेड मोड यह बाइनरी काउंट प्रोवाइड करता है 0000 to 1111। यह एक्टिव हाई इनपुट्स है एंड इट इज़ एक्सटर्नली डिकोडेड टू प्रोवाइड 16 स्कैन लाइंस। सो फ्रॉम 0000 to 1111 दीज आर द 16 डिकोडेड लाइन्स। लेकिन जो कीबोर्ड है वो ओनली 8 स्कैन लाइन्स का यूज़ करता है इनमें से 16 में से, और जो आपका डिस्प्ले है वो ऑल 16 लाइन्स का यूज़ करता है 7-segment डिस्प्ले के रूप में। नेक्स्ट आपका आता है डिकोडेड मोड। डिकोडेड मोड के अंदर इंटरनल डिकोडर जो है वो डिकोड करेगा सिर्फ जो आपकी लास्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको। सो इसके अंदर जो 4
पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ही बन सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ लास्ट जो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है उन्हीं को आप इससे डिकोड कर रहे हैं, तो इसमें चार कॉम्बिनेशन बनते हैं 1110, 1101, 1011 एंड 0111. दिस फोर एक्टिव लो आउटपुट लाइन्स इज यूज टू डायरेक्टली टू इंटरफेस फोर डिजिट सेवन सेगमेंट डिस्प्ले एंड 8x4 मैट्रिक्स कीबोर्ड. नाउ अब आपका आता है कीबोर्ड सेक्शन. तो कीबोर्ड सेक्शन के अंदर रिटर्न लाइन्स थी, रिटर्न बफर, कीबोर्ड डिबाउंस कंट्रोल आता है, फीफो सेंसर रैम है एंड फीफो सेंसर स्टेटस है. रिटर्न बफर के अंदर 8 रिटर्न लाइन्स हैं RL0 टू RL7. सो अगर हम बात करते हैं मोड्स की, तो जब ये कीबोर्ड मोड के अंदर काम करता है तो 8 रिटर्न लाइन्स होती है वो बफर्ड होती है और लैश्ड होती है जब एक एक जब ईच रो जब स्कैन होता है तब. और जबकि स्ट्रॉब मोड के अंदर द कंटेंट ऑफ रिटर्न लाइन आर ट्रांसफर टू द FIFO रैम मेमोरी. ओके, नेक्स्ट आपका है कीबोर्ड डीबाउंस एंड कंट्रोल. ये जो मोड है तभी सेलेक्ट होता है जब कीबोर्ड मोड के अंदर हम काम करते हैं, तभी ये की जो है कीबोर्ड डीबाउंस इनेबल होती है. इस मोड के अंदर रिटर्न लाइन स्कैन होती है व्हेन एनी कीज आर क्लोज्ड इन द रो. जब भी कोई की क्लोज होती है तो रिटर्न लाइन को स्कैन किया जाता है. और डीबाउंस सर्किट को डिटेक्ट तब किया जाता है जब जो भी क्लोज स्विच है उसको 10 मिलीसेकंड तक डिटेक्ट करने के बाद डीबाउंस सर्किट को डिटेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट आपका है फीफो सेंसर रैम. दिस इज अ ड्यूअल फंक्शन ऑफ 8x8 रैम और इसके अंदर ये स्कैंड कीबोर्ड मोड और स्ट्रॉप जो इनपुट मोड है उसके अंदर ये काम करता है. और जो भी नई एंट्री है वो सक्सेसिव रैम पोजीशन पर राइट की जाती है और रीड की जाती है. और सेंसर मैट्रिक्स मोड में इट इज़ अ सेंसर रैम की तरह ये काम करता है. और जो भी सेंसर रैम है वो करस्पॉन्डिंग जो भी सेंसर रैम का स्टेटस है उसके द्वारा लोड कर दिया जाता है. नेक्स्ट आपका फीफो सेंसर रैम स्टेटस है. दिस इज़ यूज टू टेल द स्टेटस ऑफ द फीफो सेंसर रैम. जो भी आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउटर फर्स्ट आउट रैम का जो स्टेटस होता है उसको इस स्टेटस के द्वारा बताया जाता है. और द स्टेटस ऑफ लॉजिक ऑल्सो मेक्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल हाई. जब भी फीफो आपका एनपीटी होता है तब इंटरप्ट रिक्वेस्ट को वो हाई पे कर देता है. डिस्प्ले सेक्शन में आपके आते हैं डिस्प्ले रैम, डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स एंड डिस्प्ले रजिस्टर्स. तो डिस्प्ले रैम है वो 16x8 की एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है. ये 16 डिजिट के डिस्प्ले कोड को स्टोर कर सकती है, सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है. डिकोडेड मोड के अंदर सिर्फ फर्स्ट फोर जो लोकेशन है डिस्प्ले रैम की उसको यूज़ करती है. और जो एनकोडेड मोड में है वो ओनली फर्स्ट 8 लोकेशन जो है डिस्प्ले रैम की उनको यूज़ करते हैं. डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर जो है यूज़ किया जाता है एड्रेस को होल्ड करने के लिए. और बाइट करंटली राइट और रीड बाय द सीपीयू एंड स्कैन काउंट वैल्यू. जो भी आपका करंटली रीड और राइट करा है सीपीयू से उस वैल्यू को ये होल्ड करके रखता है. और जब ऑटो इंक्रीमेंट मोड होता है तो आपका जो भी रीड एंड राइट करता है उसको ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहता है. डिस्प्ले रजिस्टर जो होता है वो 4 बिट का रजिस्टर होता है, जैसे कि हम उसको नाम दे सकते हैं ए एंड बी. इसमें ये दो रजिस्टर्स हैं 4 बिट के, A0 to A3 एंड B0 to B3. दे होल्ड द बिट पैटर्न्स ऑफ कैरेक्टर टू बी डिस्प्ले. जो भी कैरेक्टर आपका डिस्प्ले कर रहे हैं उसके पैटर्न को ये होल्ड करता है. ओके, नाउ कम टू द मोड्स. इसके जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं 8279IC में दो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, इनपुट मोड एंड डिस्प्ले मोड. इनपुट मोड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ मोड, स्कैन कीबोर्ड मोड, स्कैन सेंसर मैट्रिक्स एंड स्ट्रॉब मोड.
स्कैन कीबोर्ड मोड के अंदर भी हम इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं या दो इसके अंदर और फर्दर डिवाइड करते हैं, एनकोडेड स्कैन एंड डिकोडेड स्कैन। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एनकोडेड स्कैन। इस स्कैन के अंदर जो आपका स्कैन लाइन है SL0 से SL2 आर डिकोडेड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड 8 स्कैन लाइन्स। सो SL0, SL1 एंड SL2 इन तीन पिंस का यूज़ करके हम 8 एक्सटर्नल स्कैन लाइन्स इससे हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम 000 टू 111। इसके अलावा यह एडिशनली 8 रिटर्न लाइन भी प्रोवाइड करती है। इसलिए जो साइज हो गया वो आपका क्या हो गया, 8 रिटर्न लाइन एंड 8 स्कैन लाइन, तो 8 × 8 इज इक्वल्स टू आपका 64। जब भी कोई की प्रेस की जाती है तो यह इसका जो स्टेटस है वो रिटर्न लाइन में, इट इज़ स्टोर्ड द स्टेटस ऑफ रिटर्न लाइन स्कैन लाइन शिफ्ट एंड कंट्रोल की इनटू द फीफो रैम। तो जो भी आपका फीफो रैम है उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपकी रिटर्न लाइन की, स्कैन लाइन की और शिफ्ट और कंट्रोल सिग्नल की। सो यहाँ पे इसका आपका 8-bit के जो रजिस्टर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये 8-bit का एक रजिस्टर है जिसका स्ट्रक्चर B0 to B7 है। सो इसके अंदर जो 8th पिन है वो कंट्रोल पिन है, 6th पिन है आपकी शिफ्ट पिन है और पिन नंबर 4, 5 and 6 मीन्स B3, B4 and B5 ये स्कैन लाइंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है B0, B1 and B2 इसको हम यूज़ कर रहे हैं रिटर्न लाइन की तरह। सो ये एक 8-bit का आपका कंट्रोल वर्ड लिखा जाएगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर। अब यहाँ पे इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि जो आपका इसने बोला है कि कंट्रोल और जो शिफ्ट कीज़ हैं वो ओपन है। कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज ओपन है, इसका मतलब आपका क्या हुआ कि B7 पिन कंट्रोल के लिए वो भी हाई है और B6 पिन जो कि शिफ्ट के लिए वो भी हाई है। नेक्स्ट आपका है जो प्रेस्ड की है स्कैन लाइंस के लिए वो है 2, और 2 को हम लिखते हैं 010 इन बाइनरी। सो दीज आर फॉर द स्कैन लाइन B3, B4 and B5। सो 2 स्कैन लाइंस जो है वो 2 है, तो ये हो गया आपका 010, और रिटर्न लाइन है 4, और 4 के लिए हम लिखते हैं 100। सो दीज आर द रिटर्न लाइन 100 and 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1101 इज डी एंड 0100 इज 4। सो द सॉल्यूशन इज D4H। सो दिस इज द की कोड D4H। कंट्रोल एंड शिफ्ट आर ओपन, सो दिस इज 11। स्कैन मोड लाइन 2 है 010, रिटर्न लाइन लाइन 4 है 100। सो की कोड इज D4H। ओके, नेक्स्ट जो आपका आता है मोड वो है डिकोडेड स्कैन मोड। इस मोड के अंदर जो इंटरनल डिकोडर है वो डिकोड करता है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, सिर्फ उनको, स्कैन लाइंस की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को, SC0 to SC3। तो इसलिए इसमें 4 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होंगे जो कि हैं 1110, 1101, 1011 एंड 0111। इसलिए जो मैक्सिमम साइज़ है वो कीबोर्ड का होगा 8 × 4 इज इक्वल्स टू 32, जबकि आपका उसमें था 8 × 8 64 इन एनकोडेड। द की कोड इज सिमिलर टू एनकोडेड कोड, ओनली बिट 5 इज ऑलवेज 0। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो की कोड में सिर्फ इतना ही है कि एनकोडेड और डिकोडेड का की कोड सेम रहेगा, लेकिन जो बिट B5 है डिकोडेड स्कैन के लिए हमेशा 0 पे सेट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्ले मोड्स की। तो 2 टाइप्स के डिस्प्ले मोड्स हैं, लेफ्ट एंट्री मोड एंड राइट एंट्री मोड। लेफ्ट एंट्री मोड को हम टाइपराइटर मोड भी कह सकते हैं, और राइट एंट्री मोड वर्क करता है कैलकुलेटर की तरह, इसलिए इसे कैलकुलेटर मोड भी कहते हैं। सो लेफ्ट एंट्री मोड के अंदर 8 to 79 डिस्प्ले कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें लेफ्ट टू राइट आपके डिस्प्ले करेगा कैरेक्टर्स को, जैसे कि हम टाइपराइटर में टाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट,
उसी तरह से अब अगर हम इसमें ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, सो इन लेफ्ट एंट्री मोड ऑटो इंक्रीमेंट फ्लैग इज सेट आफ्टर ईच ऑपरेशन डिस्प्ले रैम एड्रेस इज इंक्रीमेंटेड। जब कोई भी जो रैम का एड्रेस है वो जो इंक्रीमेंट होगा तो उसमें जो ऑटो इंक्रीमेंट फ्लैग है उसको हम सेट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका राइट एंट्री मोड है, तो ये आपका राइट टू लेफ्ट चलेगा कैरेक्टर्स का डिस्प्ले, तो इसलिए ये जैसा कि कैलकुलेटर में होता है राइट टू लेफ्ट, इसीलिए इसे कैलकुलेटर मोड भी कहते हैं। इसमें भी जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो राइट एंट्री में होगा। इन द राइट एंट्री मोड ऑटो इंक्रीमेंट फ्लैग इज सेट आफ्टर ईच ऑपरेशन डिस्प्ले रैम एड्रेस इज इंक्रीमेंटेड। सो इस तरह से हमने आज के जो इस लेक्चर में 8279 आईसी प्रोग्रामेबल कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस को डिस्कस किया, उसके पिन कॉन्फ़िगरेशन, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसके आर्किटेक्चर और इसके अलावा जो उसके मोड्स के बारे में। थैंक यू।